चाहे युमिको सी आँखें या शिजुका सी हसीनाएं मिल जाएं, चाहे युमिको सी आँखें या शिजुका सी हसीनाएं मिल जाएं, पर इनके प्यार में मज़ा नहीं जो बस सुमिरे के इकरार से आ जाए। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामैन। तो साल के सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार आई मीन वैलेंटाइंस वीक की खुशी में मैं आपके लिए काफ़ी छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मित्सो को देखते हैं। वो जस्ट अभी अभी नींद से जागा था कि तभी उसे काफ़ी तेज साउंड सुनाई देता है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसकी मॉम की थी। एंड आफ्टर अ मोमेंट मित्सो के डैड काफ़ी लाउडली रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। और मित्सो अपना बेड लीव करते हुए नीचे लिविंग रूम में जाता है। वो देखता है वहाँ पर उसके मॉम और डैड किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। सडनली गांको सरप्राइज होते हुए बोलती है, मॉम देखिए इस बुके में से एक चिट निकली है। और मित्सो की मॉम जैसे ही उस चिट को ओपन करती हैं, वो देखती हैं उसके ऊपर मित्सो का ही नाम लिखा हुआ है। वो बोलती है ये सब क्या है। एंड वो चिट मित्सो को देती हैं। मित्सो बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता मॉम। मित्सो के डैड बोलते हैं अब तो तुम समझ गई ना कि ये बुके मेरे लिए नहीं आया था और तुम कब से मेरे ऊपर लगातार शक कर रही हो। अपने डैड की ये बात सुनकर मित्सो को हंसी आ जाती है कि तभी मित्सो की मॉम उसका कान खींचते हुए बोलती हैं क्या तुम्हें हंसते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है और इस छोटी सी उम्र में तुम्हारा चल क्या रहा है, जल्दी बताओ ये रोसेस तुम्हें किसने भेजे हैं। मित्सो कहता है मॉम मैंने बोला ना मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मित्सो की मॉम कहती है पर इस बुके में तुम्हारे नाम की चिट निकली है। एंड इसी तरह मित्सो की मॉम काफी देर तक उसे डांटती रहती है। कुछ देर बाद मित्सो अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाता है। पूरे रास्ते वो बस इसी बारे में सोच रहा था कि किसने उसे ये बुके भेजा है एंड स्पेशली ये मित्सो के लिए था, परमैन के लिए नहीं। आखिर ऐसा कौन है जो हमारे मित्सो का दीवाना है। एंड तभी उसके माइंड में पाको का नाम आता है। उसे लगता है कि पाको ने ये सब उसके साथ मस्ती करने के लिए किया होगा। मित्सो डिसाइड करता है कि आज स्कूल के बाद वो पाको को अच्छा सबक सिखाएगा और इसी सोच के साथ वो अपना आज का पूरा टाइम स्कूल में स्पेंड कर देता है। ड्यूटी का टाइम होने पर मित्सो अपने रोबोट को एक्टिवेट करते हुए परमैन सेट पहन के अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो पाको के सामने खड़ा था। मित्सो काफी गुस्से में था। वो आज का हुआ पूरा इंसिडेंट पाको को बताता है। पाको बोलती है मैंने ये सब नहीं किया और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, भला मैं तुम्हें क्यों बुके भेजूंगी। लेकिन मित्सो पाको की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। पाको बोलती है आई स्वेयर मैंने ये नहीं किया और जिस दिन मुझे तुम्हें रोज वगैरह देना होगा ना मैं तुम्हें सामने से दूंगी, इस तरह पीठ पीछे नहीं। इस बार मित्सो पाको की बातों से कन्विंस हो जाता है, पर अब उसका सवाल और भी ज्यादा गहरा हो चुका था कि आखिर उसे ये बुके भेजे किसने हैं। अपनी ड्यूटी एंड करके मित्सो घर पहुंचता है। वो रोबोट को भी आज उसके साथ हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। रोबोट बोलता है कहीं तुमने सीक्रेटली किसी का दिल तो नहीं चुरा लिया मित्सो, और वो काफी तेज आवाज में हंसने लगता है। मित्सो बोलता है अपना मुंह बंद रखो और हाँ मुझे अगला शक युकी के ऊपर है क्योंकि तुम उसके साथ मेरी गैरहाजिरी में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि ये बुके युकी का हो। ये बात सुनकर रोबोट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मेरी प्यारी युकी वो मुझे कितना पसंद करती है सामने से बता तक नहीं पा रही है, वो काफी ज्यादा शर्माती है मित्सो। मित्सो बोलता है तुम इतना ज्यादा खुश मत हो क्योंकि उसे तुम पसंद करते हो, मैं नहीं। और याद रखो मित्सो मैं हूं तुम नहीं, इसलिए तुम्हारी पसंद का मेरे लिए कोई मायना नहीं। ये बात सुनकर रोबोट गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम खुद ढूंढ लो, और वो अपने आप को खुद से डीएक्टिवेट कर लेता है। मित्सो कहता है जस्ट लीव इट, जो हुआ सो हुआ, बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर अब कोई और गड़बड़ ना हो। और इसी के साथ वो डिनर करते हुए आज रात सो जाता है। इंसान हमेशा एक पॉजिटिव वाइब के साथ रहना चाहता है, पर ये डिपेंड करता है कि आपके साथ हुए इंसिडेंट को आप किस नजरिए से देखते हैं। फिलहाल मित्सो इन सभी चीजों को लेकर काफी टेंस्ड है, लेकिन क्या पता आगे जाकर वो इन्हें एंजॉय करने लगे। लेट्स सी अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मित्सो के उठने से पहले ही उसके लिए एक और बॉम्ब प्लांट हो चुका था। अब बस इंतजार था उसके फटने का। मित्सो अभी तक नींद से भी जागा नहीं था कि उससे पहले उसकी मॉम फुल गुस्से के साथ उसके रूम के अंदर एंटर करती हैं। वो आते ही मित्सो का कान पकड़ लेती हैं। वो कहती हैं ये सब क्या चल रहा है मित्सो।
थोड़ी देर तक वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी उसकी मॉम उसके हाथ पर एक लेटर देती हैं। उसकी दो लाइन पढ़ते ही मित्सुओ का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उस प्रेम पत्र पर इतने भारी शब्दों का प्रयोग किया गया था कि कोई भी आशिक या तो खुदकुशी कर ले या फिर प्यार में पागल ही हो जाए। मित्सुओ की मॉम बोलती हैं, पहले वो बुके, अब ये लेटर, आखिर चल क्या रहा है मित्सुओ? अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, तो मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर ये सब भेज कौन रहा है? मित्सुओ बोलता है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए मॉम, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं किसी को इम्प्रेस भी कर पाऊंगा? मित्सुओ की मॉम बोलती है, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को भी उस प्रेम पत्र पर लिखी कुछ लाइनों से रूबरू करवाते हैं। उसकी पहली लाइन ये थी, मेरे प्यारे मित्सुओ, तुम नहीं जानते मैंने इन दिनों के लिए कितने टाइम से वेट किया है और अब मुझे मौका मिल चुका है। दूसरी लाइन, मैं तुम्हें वादा करती हूँ आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी, तुम भले ही मेरा साथ छोड़ दो पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तीसरी लाइन, और हाँ, अपनी फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दे तब भी मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। रिगार्ड्स योर लाइफ, मित्सुओ की मॉम बोलती है, तुम्हें जल्द से जल्द इस बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मित्सुओ वो घबराते हुए बोलता है, आप क्या करेंगी मॉम? मित्सुओ की मॉम बोलती है, मैं तुम्हें इसी लड़की के पास रहने के लिए भेज दूंगी। इतना कहते हुए मित्सुओ की मॉम उसके रूम से चले जाती हैं। और कुछ ही देर बाद मित्सुओ भी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते वो बस उस लेटर की हैंडराइटिंग को वेरीफाई कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये राइटिंग किसकी हो सकती है। उसे अब यूकी के ऊपर और भी ज़्यादा शक हो रहा था। वो जल्दी से स्कूल पहुँचता है। जैसे ही मित्सुओ अपनी क्लास में पहुंचता है वो अपना बैग रखकर तुरंत युकी की क्लास के लिए निकल जाता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, युकी क्या ये लेटर तुमने मुझे भेजा है मुझे साफ साफ बता दो, क्योंकि इसकी वजह से मैं काफ़ी बड़ी मुश्किल में आ चुका हूँ और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ बोल दो, इस तरह घुमाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। युकी उस लेटर को पढ़ती है। वो कहती है, मित्सुओ तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हारी कंपनी को इन्जॉय भी करती हूँ, पर अभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, पर आई होप दिस विल हैपन इन फ्यूचर, अभी इन सभी चीज़ों के लिए हम छोटे हैं। और रही बात इस लेटर की, तो ये मैंने नहीं भेजा है, अगर तुम चाहो तो इसकी हैंडराइटिंग मेरी नोटबुक से मिलवा सकते हो। और यार यूकी 99.9% तो यार झूठ नहीं बोलती, इसलिए मित्सुओ भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। लेकिन अब अगला सवाल ये था कि ये लेटर भेज कौन रहा है? सुमिरे एके पाको कैंसल, हमारी यूकी कैंसल, तो आखिर है कौन? मित्सुओ के माइंड में कुछ देर के लिए मिचिको का भी नाम आता है, पर वो नाम आते के साथ ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मित्सुओ कभी भी अपने आप को मिचिको के साथ इंजॉय या फिर खुश होते हुए नहीं देख सकता, बिकॉज वी ऑल नो शी इज़ अ गोल्ड डिगर बिच। और इसी सवाल के साथ मित्सुओ का स्कूल एंड होता है। वो अपने घर पहुंचकर बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह इस लेटर के बारे में सोचने लगता है। मित्सुओ जानता था कि दो दिन लगातार उसके लिए कुछ ना कुछ आया है, और अगर सामने वाला बंदा सीरियस होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ कल सुबह भी भेजेगा, और उसे वो तभी पकड़ने का फैसला करता है। आज ड्यूटी पर भी मित्सुओ पाको को इसके बारे में बताता है, और पाको भी थोड़ा थोड़ा जेलस होने लगी थी, बिकॉज वी ऑल नो कि गली में आज चांद खिला। और मित्सुओ अपने घर पहुंचकर डिनर करते हुए कल सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे का अलार्म लगा लेता है, बिकॉज वो जानता था कि इससे पहले तो कोई भी नहीं आ सकता। एंड इसी विचार के साथ वो आज रात सो जाता है। कल सुबह ठीक 4:30 बजे अलार्म बजता है, और मित्सुओ सूरज की पहली किरण से पहले आज अपने घर के ठीक सामने खड़ा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि हल्की सी हलचल दिखे और वो उस पर्सन को पकड़कर सारा सच उगलवा सके कि आखिर भाई तुम हो कौन जो मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्रिएट कर रहे हो। बट एक बात हम सभी और जानते हैं, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड लव। कब 4:30 से 7:30 बज जाते हैं पता तक नहीं चलता, पर उस पर्सन की कोई भी इंडिकेशन मित्सुओ को नहीं मिलती। उसके हाथ आज कुछ नहीं लगता, इस बात से मित्सुओ काफ़ी निराश हो जाता है।
अब कुछ देर बाद मित्सुओ रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में उसके पास एक बच्चा आता है। वो बोलता है, भैया ये आपके लिए। और वो किड मित्सुओ को एक काफ़ी बड़ी सी चॉकलेट देता है। मित्सुओ बोलता है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो बच्चा बोलता है, मैं खेल रहा था कि तभी मेरे पास कोई आया और आपको ये चॉकलेट देने के लिए कहा, आप इसे रख लीजिए, ये आपकी ही है। मित्सुओ बोलता है, ये मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे ले सकते हो। वो बच्चा बोलता है, मैंने तो पहले से ही दो ले ली हैं, नहीं तो मैं कभी भी आपके पास ये लेकर नहीं आता, ये आपकी है, रखनी है तो रखो, नहीं तो फेंक दो। ये कहते हुए बच्चा वहाँ से निकल जाता है। मित्सुओ बोलता है, बड़ा सेवेज बच्चा था। और वो उस चॉकलेट को उछालता हुआ अपने स्कूल के लिए फिर से निकलने लगता है। जैसे ही मित्सुओ अपनी क्लास में एंटर करता है, उसे देखकर कबा और साबू बोलते हैं, मित्सुओ इतनी बड़ी चॉकलेट, क्या तुम ये किसी के लिए लेकर आए हो या फिर तुम्हें ये किसी ने दी है? मित्सुओ बोलता है, ये मुझे किसी ने दी है। ये बात सुनकर कबा और साबू हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें ये किसी ने दी है, हमें इस बात पर भरोसा नहीं। मित्सुओ बोलता है, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर क्या करूं, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। कबाओ कहता है, अच्छा बताओ वो सुंदर हसीना कौन है जो तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है? मित्सुओ कहता है, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। जब से ये वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हुआ है, तब से कोई ना कोई हर सुबह डे के हिसाब से मेरे लिए चीज़ें भिजवा देता है और अपना नाम पता कुछ नहीं बताता। कबाव बोलता है, तुम्हारी तो निकल पड़ी मित्सुओ। मित्सुओ कहता है, एक मिनट, कहीं तुम तो कावेरी बनकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो ना कबाव? कबाव कहता है, मेरे पास इतना वक्त और पैसा नहीं है जो मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूँ। और रही बात इस चॉकलेट की, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ये मुझे दे दो। और इतना कहते हुए कबाओ मित्सुओ के हाथ से वो चॉकलेट छीन कर खाने लगता है और मित्सुओ भी कुछ नहीं बोलता। और इसी तरह आज का दिन भी एंड हो जाता है। मित्सुओ अपने घर पहुंचकर रोबोट को एक्टिवेट करते हुए पूरी कहानी सुनाने लगता है। रोबोट बोलता है, इस पूरे सिनेरियो को समझकर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तुम्हें जो भी भेज रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है मित्सुओ। तुम्हें उस पर्सन के प्यार को समझकर उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मित्सुओ बोलता है, बिना जाने पहचाने ब्लैंक चेक एक्सेप्ट कर लूँ और कहीं चेक बाउंस हो गया तो मेरे तो लो आई मीन घोड़े लग जाएंगे। रोबोट बोलता है, तुम क्रेडिट और डेबिट के बारे में सोच रहे हो, इनकम और आउटकम के बारे में नहीं, उसके बारे में भी सोच कर देखो, फिर तुम जानोगे कि इस प्यार में कितनी मिठास है। मित्सुओ बोलता है, तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो। रोबोट कहता है, मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ, बाकी एज यू विश। और मित्सुओ अपना परमानेंट सेट पहनकर ड्यूटी के लिए निकल जाता है। जैसे ही मित्सुओ आज का किस्सा पाको को सुनाता है, पाको आज और भी ज़्यादा जेलिस फील करने लगती है। वो बोलती है, मेरी बात मानो तो इस लड़की से दूर रहना। मित्सुओ एक टेढ़ा सा फेस बनाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है पाको, मैं इस लड़की के क्लोज जाऊं या फिर नहीं, बताओ बताओ। पाको का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। वो अपना सर नीचे की तरफ करते हुए बोलती है, नहीं नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं तो तुम्हें एक दोस्त के नाते एडवाइस कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से जाने लगती है और मित्सुओ कंटिन्यूसली पाको को टीज करने लगता है, बताओ बताओ पाको, कहीं तुम भी मेरे प्यार में तो पड़ नहीं गई हो। और इसी तरह उनका आज का दिन बीत जाता है। अपने घर पहुंचकर मित्सुओ कल की प्लानिंग करने लगता है कि वो उस पर्सन को कैसे पकड़ेगा, लेकिन तभी उसके माइंड में आता है कि वो जो भी है काफ़ी ज़्यादा शातिर है। वो जानता है कि कब कहां पर और कैसे खेलना है, इसलिए वो सब कुछ सिचुएशन के ऊपर छोड़ देता है। और सरप्राइजिंगली कल सुबह जब मित्सुओ उठता है तो उसके घर पर कुछ भी नहीं आया था। मित्सुओ एक काफ़ी चैन की सांस लेता है। वो कहता है, थैंक गॉड आज मैं बच गया, लगता है वो पर्सन मेरा पीछा छोड़ चुका है। और वो काफ़ी शांति से रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, मगर आज फिर रास्ते में वही बच्चा आकर उसे एक टैडी देता है और कहता है, ये आपके लिए है और आपको ये रखना ही होगा, ऐसा मुझे उन दीदी ने बोला है जिसने मुझे आपके पास ये लेकर भेजा है। मित्सुओ बोलता है, क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकते हो? वो बच्चा बोलता है, आप मुझे क्या दोगे? मित्सुओ उस बच्चे को एक चॉकलेट ऑफर करता है। वो बच्चा कहता है, तुम जाकर उसे खुद ही ढूंढ लो, और वो वहाँ से निकल जाता है। मित्सुओ कहता है, कुछ तो गड़बड़ है,
और वो उस क्यूट से टैडी को अपने बैग में रख कर स्कूल के लिए निकल जाता है। और इसी तरह उसका आज का दिन भी निकल जाता है। रात को मित्सुओ सोच रहा था कि कल प्रॉमिस डे है और इस दिन पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो गिफ्ट नहीं कर सकते, पर लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगले दिन जो होने वाला है वो आपकी, मेरी और हमारे मित्सुओ की सोच से काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। अगले दिन सुबह उठकर मित्सुओ एक काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्कूल पहुंचता है। उसका दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीत रहा था, यहाँ तक कि आज तो काफ़ी टाइम के बाद उसके सर ने उसकी तारीफ भी की थी और मित्सुओ बहुत खुश था कि उसके दिन में आज कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। पर यार वो कहते हैं ना, आशिकी ही कैसी जिसमें रोमांच ना हो। जैसे ही लंच ब्रेक होता है कि तभी एक काफ़ी तेज़ी के साथ अनाउंसमेंट होती है, मित्सुओ मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, जल्दी से ग्राउंड में आ जाओ। मित्सुओ वो आवाज़ सुनते ही जल्दी से ग्राउंड में पहुँचता है और पूरे स्कूल के सामने एक काफ़ी लाउड वॉइस में अनाउंसमेंट होती है, मित्सुओ आज प्रॉमिस डे है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा अप्रोच के साथ तुम्हें हमेशा सरप्राइज करूँगी। मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करना चाहती, जानती हूँ तुम इस बारे में सोच रहे हो कि आखिर मैं हूँ कौन, तुम्हें किस तरह जानती हूँ और तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही मैं तुमसे मिलने वाली हूँ, तुम्हारी सीक्रेट लवर। इतना कहते हुए वो अनाउंसमेंट एंड हो जाती है। ये अनाउंसमेंट पूरे स्कूल ने सुन ली थी, इंक्लूडिंग टीचर्स। जल्दी से मित्सुओ को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं आखिर ये सब क्या था। मित्सुओ बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर, पिछले कई दिनों से मेरे साथ ये सब चल रहा है, मैं नहीं जानता कि ये कौन है और आखिर ये सब क्यों करवा रहा है। मगर प्रिंसिपल को मित्सुओ की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसकी मॉम को स्कूल बुलवा लेते हैं। मित्सुओ की मॉम भी इस बार मित्सुओ के लिए स्टैंड लेती हैं। वो कहती हैं हाँ सर, मित्सुओ सही कह रहा है, पिछले कई दिनों से उसके साथ ये सब चल रहा है और मैं जानती हूँ कि मित्सुओ कुछ देर के लिए मुझसे बात छुपा सकता है पर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप भी विश्वास कीजिए, इसके पीछे जो भी है हमारा मित्सुओ उसे नहीं जानता। और मित्सुओ की मॉम के रिक्वेस्ट करने पर प्रिंसिपल इस बार मित्सुओ को वार्निंग के साथ छोड़ देते हैं, मगर वो कहते हैं कि अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी हुआ तो आपके लिए और आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर तो मित्सुओ की मॉम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जेनरस थी, पर बाहर आते ही वो भी मित्सुओ के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं। वो कहती हैं मित्सुओ जल्द से जल्द इसका कुछ करो, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और वो मित्सुओ को वहाँ पर लीव करके घर के लिए चले जाती हैं। पर यार हमारा मित्सुओ आखिर क्या ही कर सकता है, वो उस पर्सन को जानता थोड़ी है। लेकिन एक बात अनाउंसमेंट में क्लियर थी कि बहुत जल्द वो पर्सन से मिलेगा, वो भी फेस टू फेस। मित्सुओ अपना आज का दिन ख़त्म करते हुए घर पहुंचता है। वो जैसे ही ड्यूटी पर पहुंचकर पाको को इस बारे में बताता है। पाको बोलती है आज तो काफ़ी एक्सट्रीम हो गया मित्सुओ। मित्सुओ बोलता है तुमने सही कहा पाको, और मॉम ने मुझे वार्निंग दी है, अगर मैंने जल्द से सब कुछ ठीक नहीं किया तो वो भी इस मैटर में मेरा सपोर्ट नहीं करेंगी। पाको बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो भी पॉसिबल हेल्प चाहिए होगी मैं तुम्हारी वो हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और पाको का इतना कहना ही मित्सुओ के लिए काफ़ी था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाको और मित्सुओ एक जगह पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे क्योंकि इस जगह पर आग लगी हुई थी। हमारा मित्सुओ एक एक परमैन सभी को काफ़ी सावधानी से बाहर निकाल रहा था कि तभी काफ़ी तेज़ी के साथ मित्सुओ को कोई हक करता है। मित्सुओ जैसे ही पीछे मुड़ता है वो पर्सन मित्सुओ को धक्का देकर भाग जाता है और मित्सुओ पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उसने मित्सुओ को परमैन के रूप में हक किया था। यानी कि वो जो भी है मित्सुओ के लिए जो भी कर रहा है वो जानता है कि मित्सुओ ही। सो गाइस आई होप कि आप सभी को इस लव स्टोरी का पार्ट वन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो यार इसके लिए थम्स अप आई मीन लाइक तो यार ज़रूर करके जाना। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना अपने यार दोस्तों, और अगर तुम्हारे पास कोई महिला मित्र है तो उसको भी ज़रूर से ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी तुम्हारी तरह इसे देख कर खुश हो सके। तो यार मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।